तो किस तरह से आप इसके बारे में बिल्कुल अफसोस है बहुत ज़्यादा। इनिंग्स तब यूज़फुल होती है अगर हम लोग ये मैच जीत जाते, रन्स किए हैं लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम लोग जीत के जाते तो इस इनिंग्स का फ़ायदा था, अभी अफसोस ही है ज़्यादा। और पिछले एक दो साल में हमारा आप बड़ी ज़बरदस्त क्लीन हिटिंग कर रहे हैं पीएसएल में भी, तो नेट्स में लगता है कि काफ़ी खासा आपने वक्त गुजारा, काफ़ी काम किया कि अपनी बैटिंग को बहुत ज़्यादा आपने जी बिल्कुल हिटिंग के साथ साथ अपने डिफेंस पे और फोर डे में काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है। इसके बाद वसीम भाई के साथ काफ़ी काम करते रहे हैं हमारे पिछले लास्ट दो सीज़न में, कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा करें, परफॉर्म करें ताकि आगे दोबारा कम बैक कर सकें। आपको लगता है कि नॉर्दर्न की बहुत ज़्यादा अग्रेसिव अप्रोच है वो कहीं ना कहीं फायर बैक भी हुई है इस सीज़न में, कि हर प्लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बजाय अपने रन की और खुद को जो पेस खेलने की तरफ जाता है? नहीं बिल्कुल, स्पेशली इस टूर्नामेंट में मैं कहूँगा कि अग्रेसिव अप्रोच होना डिफरेंट चीज़ है, लेकिन पिच को रीड करना या सिचुएशन को रीड करना एक डिफरेंट चीज़ है। तो मेरे ख्याल में स्पेशली आज का मैच भी और इससे पहले भी जो मैचेस हुए हैं इसमें हम लोगों को ज़्यादा जो चाहिए था कि पिच को रीड करें, सिचुएशन को रीड करें, उसके बाद अपनी अप्रोच को वो करें, कि अभी स्पेशली जिस तरह आज था विकेट इन हैंड्स होती हैं और कोई ऑलराउंडर इसके बाद मेरे बाद खेल रहा होता या हम लोग साथ होते तो आज मैच का रिजल्ट डिफरेंट होता। आप समझते हैं कि हैदर अली का आउट होना वो टर्निंग पॉइंट है इस मैच का, अगर वो रहते तो बड़ी आसानी से आप? जी बिल्कुल, हैदर आपको पता है एग्रेसिव प्लेयर है, मैं और वो जिस तरह वो खेलता है स्पेशली फॉर्म में भी बहुत अच्छी फॉर्म में है, कॉन्फिडेंस लेवल उसका बहुत हाई है और अगर हम दोनों एंड तक जाते तो शायद दो तीन ओवर पहले कंप्लीट मैच फिनिश कर लेते। और हमारे दो मैचेस रह गए हैं, सेमीफाइनल ऑटोमेटिक नहीं है, आप अभी बड़ी लंबी मीटिंग हुई है, तो नेक्स्ट दो मैचेस के लिए क्या प्लान है? बिल्कुल, अब आखिरी दो मैच हैं, ये हमारे लिए समझ लें क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल ही हैं, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए, कि अगर हम दोनों मैच जीतते हैं तो हमारे चांस है कि हम थ्रू कर सकते हैं। तो अगले दो मैच हमें अच्छी अप्रोच के साथ खेलने होंगे और मेरे ख्याल में स्पेशली हम एज अ बैट्समैन या बॉलर जो है कंडीशन को वो करके उसके हिसाब से हमें खेलना पड़ेगा।